हेलो फ्रेंड्स, आई एम भाविनी मिस्त्री। वेलकम टू माय चैनल एट दी कुकिंग हाउस। आज की हमारी रेसिपी है लौकी के रोल। ये मैं लौकी में से रेडी करने वाली हूँ। ये हमारे लिए बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। आप एक बार घर पे बना के जरूर ट्राई करना। आज आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ताइए हम ये रेसिपी बनानी शुरू करते हैं। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने ये 200 ग्राम जितनी लौकी ले ली है। लौकी को मैं क्लीन कर लेती हूँ और उसको ग्रेट कर लेती हूँ। ये लौकी का मैंने छिलका निकाल के देखो, ये मैंने क्लीन कर ली है। अभी इसको मैं ग्रेट कर लेती हूँ। तो देखो, अभी मैंने ये लौकी को ग्रेट कर ली है, तो इसको मैं साइड पे कर लेती हूँ और उसका आटा बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने ये हाफ बाउल जितना गेहूँ का आटा लिया है। गेहूँ का मैंने करकरा आटा लिया है। अब बारीक आटा भी यूज़ कर सकते हो। हाफ बाउल मैंने ये चने की दाल का ग्राम फ्लोर भी बोल सकते हो वो लिया है। हाफ बाउल चावल का आटा। चावल का आटा से हमारा ये जो हम रेसिपी बनाने वाले हैं वो हमारी क्रिस्पी बनेगी। ये मैंने लिया है हाफ बाउल ज्वार का आटा। ये मैंने सब आटा लेके मैंने 2 बाउल जितना आटा सब मिला के यूज़ किया है। तभी इसमें मैं लौकी यूज़ कर रही हूँ। तो लौकी की हम क्वांटिटी इधर ज़्यादा रखेंगे तो ग्रेट की हुई मैं 2 से 2.5 बाउल जितना मैं लौकी यूज़ करूँगी, जिससे हमारी ये रेसिपी बहुत ही अच्छी बनेगी। देखो, मैंने ये लौकी 2.5 बाउल जितना ले लेती हूँ। तो मैंने ये 2.5 बाउल जितना 1 और 2.5 बाउल जितना मैंने ये लौकी यूज़ कर रही हूँ। 1 चम्मच हरी लहसुन ऐड कर लेती हूँ। हरी लहसुन ऐड करने से हमारा ये इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। 1/2 बाउल में हरा धनिया ऐड कर लेती हूँ। अभी इसमें सब मसाला ऐड कर लेती हूँ। मसाले में मैंने 1 चम्मच जितना हल्दी पाउडर लिया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1/2 चम्मच जितना अजवाइन, 3/4 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 चम्मच ग्रीन चिली पेस्ट, टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट, मैंने 1 चम्मच जितना सॉल्ट इधर ऐड कर रही हूँ, 2 चम्मच शुगर ऐड कर लेती हूँ, थोड़ी सी हींग ऐड कर लेते हैं, 2 चम्मच ऑयल, 2 चम्मच को मिक्स कर लेती हूँ। इसमें हम पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे ये लौकी में से ही पानी अच्छी तरह से छूटेगा और हम उसमें से ही ये आटा घुट के रेडी कर लेते हैं। इसको हम ऐसा मिक्स करते जाएंगे बिना पानी के। पानी का यूज़ किए बगैर मैंने ये आटा घुट के रेडी कर लिया है। देखो, हमारा कितना अच्छा आटा घुट के रेडी हुआ है। हमारा ऐसे ही ये रेसिपी इतनी अच्छी सॉफ्ट बन के रेडी होगी। हम इसमें और कोई भी चीज़ नहीं, इनो या बेकिंग सोडा और कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसके बगैर ही हमारी ये सॉफ्ट एंड क्रिस्पी बन के रेडी होगी। अभी मैंने ढोकले का कुकर ले लिया है। कुकर में मैंने पानी डाल के उसको गर्म कर लिया है। अभी इसमें मैं ये प्लेट रख लेती हूँ। जो मैंने ये आटा घुट के रेडी किया है उसको मैं रोल जैसा बना लेती हूँ। कि मैं छोटे लुए ले लेती हूँ, फिर बाद में उसका मैं सिलेंडर शेप देके ऐसा रोल बना के रेडी कर लेती हूँ। हम ऐसे ही सब रोल बना के रेडी कर लेंगे। ये मैंने रोल बना के रेडी कर लिए है, तो अभी इसको मैं पकने के लिए रख लेती हूँ। प्लेट को मैंने गरम कर लिया है, तो मैं ये प्लेट को ऑयल से ग्रीस कर लेती हूँ। फिर बाद में इसमें मैं जो रोल बना के रेडी किया है वो इसके अंदर मैं रख लेती हूँ।
ये रोल बना के आप उसको स्टोर भी कर सकते हो 2-3 दिन के लिए। अभी इसको मैं लीड कर लेती हूँ। लीड करने के बाद उसको मैं 15 से 20 मिनट के लिए पकाऊंगी। 15 से 20 मिनट हो गई है तो मैं आपको दिखाती हूँ हमारा ये पक के रेडी हुआ कि नहीं। तो इसके अंदर हम ये नाइफ अप्लाई करेंगे। तो देखो अभी हमारा थोड़ा चिपक रहा है, तो अभी उसको मैं वापस 5 मिनट के लिए रख लेती हूँ। हमारी 5 मिनट हो गई है तो वापस उसको खोल के आपको दिखाती हूँ। तो देखो अभी हमारा ये अच्छे से पक गया है। तो गैस ऑफ कर लेती हूँ और उसको मैं अच्छे से ठंडा कर लेती हूँ। अभी ये कुकर खोल के मैं दिखाती हूँ आपको कि हमारा ये रोल अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। तो अभी उसको मैं सेमी फ्राई कर लेती हूँ। सेमी फ्राई करने के लिए मैं इसके कट कर लेती हूँ छोटा छोटा। ये रोल को मैंने कट कर लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ हमारा ये रोल कितना स्पॉन्जी सॉफ्ट बना है। बिल्कुल भी हमारा ये कड़क नहीं, हम ऐसे प्रेस कर सकते हैं उसको। ये रोल को सेमी फ्राई करने के लिए मैंने ये पैन लिया है। पैन को मैंने गरम कर लिया है। अभी इस ये पैन में मैं 3 से 4 चम्मच जितना ऑयल ऐड कर लेती हूँ। ऑयल को हम अच्छे से गरम होने देंगे। आप ये रेसिपी बना के एक बार घर पे जरूर ट्राई करना और मेरे को कमेंट भी जरूर कीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। आप बच्चे को टिफिन में भी ये आप दे सकते हो। ये ऐसे भी हमारी हेल्थ के लिए ये हेल्दी रेसिपी है। अभी हमारा ऑयल गर्म हो गया है तो अभी इसमें मैं 1 चम्मच जितना मस्टर्ड सीड्स ऐड कर लेती हूँ। मस्टर्ड सीड्स को हम अच्छी तरह से चटकने देंगे। भी चटकना शुरू हो गया है। हम ये मस्टर्ड सीड्स को अच्छी तरह से नहीं चटकने देंगे तो हमारा ये कच्ची लगेगी और ये रेसिपी का टेस्ट भी बिगाड़ देगी। अभी ये मस्टर्ड सीड्स में से आवाज आनी बंद हो गई है तो इसका मतलब है हमारी ये मस्टर्ड सीड्स अच्छी तरह से चटक गई है। तो इसमें मैं थोड़ी सी हींग ऐड कर लेती हूँ। इसमें मैं 1 चम्मच जितना सफ़ेद तिल आता है वो मैंने पहले से ही रोस्ट किया था वो ऐड कर लेती हूँ। सफ़ेद तिल ऐड करने से हमारी ये रेसिपी का बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अभी इसमें मैंने जो ये रोल को कट किए गए रेडी रखा है वो मैं ऐड कर लेती हूँ। अभी इसको मैं थोड़ा मिक्स कर लेती हूँ। हम इसको थोड़ा क्रिस्पी होगा तब तक उसको हम पकाएंगे। हम इसको मीडियम आंच पे ही पकाएंगे, फुल आंच पे नहीं पकाएंगे। बच्चे ऐसे लौकी खाना पसंद नहीं करते हैं लेकिन आप इस तरह से बनाओगे तो बच्चे को भी बहुत अच्छा लगेगा। मैंने इधर ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी कम ली है। आप चाहो तो आपको ज़्यादा ऑयल खाना पसंद करते हो तो आप इसमें और थोड़ा और ऑयल ऐड कर सकते हो, लेकिन मेरे लिए इधर सफिशिएंट है। इसके लिए मैं ज़्यादा ऑयल यूज नहीं कर रही हूँ। तो देखो अभी मैंने अच्छे से उसको मिक्स कर लिया है। अभी इसको मैं मीडियम आंच पे ही पकने दूंगी 10-15 मिनट के लिए, जिससे हमारा ये बाहर से क्रिस्पी टेस्ट में हो जाएगा। तो देखो अभी हमारा ये ऊपर जैसा गोल्डन जैसा लेयर आ गया है, तो इसका मतलब है हमारा ये क्रिस्पी हो गया है। तो अभी इसको मैं सर्व कर लेती हूँ। तो देखो अभी मैंने इसको सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। अभी इसके ऊपर मैं थोड़ा धनिया, हरा धनिया अप्लाई कर लेती हूँ। देखो हमारा ये कितना अच्छा ये रेसिपी बन के रेडी हुआ है, कितना अच्छा दिख रहा है। ये आप सुबह के नाश्ते के साथ या फिर शाम के नाश्ते में भी आप खा सकते हो। कोई अचानक मेहमान आ जाए तो आप ये रेसिपी बना के एक बार ट्राई करोगे तो उनको भी बहुत ही अच्छा लगेगा। इतना अच्छा हमारा ये रेसिपी बन के रेडी हुआ है। आज आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे को कॉमेंट भी ज़रूर करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।